वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल विद श्रुति। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। एज अ कंटेंट क्रिएटर जो लोग यूट्यूब पे हैं या जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं किसी के भी, तो उनको ज़रूर मालूम होगा कि एक स्टार है, उन्हीं के लिए कुछ चंद शब्द अल्फाज आपके सामने पेश कर रही हूँ। उस स्टार की रोशनी को सपोर्ट करते हैं वो समझ सकेंगे, और जो लोग सपोर्टर नहीं हैं वो भी समझेंगे। बट देखिए, हर किसी का हर किसी चीज़ को, हर किसी सिचुएशन को लेने का, समझने का उसका परसेप्शन अलग होता है। और मैं सबके परसेप्शन की वैल्यू करती हूँ। और हम जब YT पे होते हैं तो हमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, हमें पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, हमें लोग पसंद भी करते हैं, हमें नापसंद भी करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम पॉजिटिव लेकर ही अगर आगे चलेंगे तो ठीक रहेगा, और यही लाइफ का फंडा भी होना चाहिए। हमारे आसपास पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लोग इन सब से भरे रहते हैं, तो हमें हर चीज़ को एक बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ जो मेरे दिल की बात है और जो मैंने उनके लिए लिखा है। सितारा सितारा तू जमी का नहीं, आसमानों तक तेरी रोशनी की गूंज होगी। सितारा सितारा तू जमी का नहीं, आसमानों तक तेरी गूंज होगी। तेरे दामन को छोड़ा उसने तो भी क्या गम है, तेरे दामन को छोड़ा उसने तो भी क्या गम है, तेरे दामन का रक्षक अब वो गोविंद है। कहते हैं लोग क्या ज़रूरत है ये सब जमाने को जताने की, कहते हैं कुछ लोग क्या ज़रूरत है ये सब जमाने को जताने की, मेरे गोविंद कहते हैं सच को किसी की आँच नहीं। 13 सालों का इंतज़ार तो दिख गया, 13 बरस का समर्पण वो न देख सका। 13 सालों का इंतज़ार तो दिख गया, 13 बरसों का समर्पण वो ना देख सका। तेरे दामन को छोड़ा उसने तो भी क्या गम है, तेरे दामन का रक्षक अब वो गोविंद है। ये कुछ चंद अल्फाज हैं और जो मैंने उनके लिए लिखे हैं। हम जब किसी परेशानी में होते हैं, बहुत बड़े दुख में होते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमें लगता है कि अब हम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, खुद से तो नहीं निकल सकते, और हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ के हमें इस मुश्किल से बाहर निकाले, और बहुत समय बर्बाद करते हैं, बहुत सोचते, और कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं कि कहाँ है वो जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, हम खुद को आईने में देखना भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत गहरी मुश्किल में होते हैं और ये दुनिया और हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं, या ये कह लीजिए कि शायद अपने या जो बहुत करीबी होने का दावा करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेटिव हो, या फिर कोई भी जो आपके बहुत करीब हो, या आपने एक्सपेक्ट किया हो, या आपने सोचा हो कि ये आपके वाकई में शुभ चिंतक या सच्चे दोस्त हैं, या आपका हर मुश्किल में साथ देने के लिए ही आपसे जुड़े हैं, तो जब वो लोग आपका साथ नहीं देते ना मुश्किल में, और वो आपका साथ छोड़ देते हैं, तो आप खुद को आईने में देखिए, हिम्मत बटोरिए, यही तो वो एक इंसान है जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है। और कोई इस दुनिया में नहीं होता जिसे हम इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, सिर्फ हम हैं जो हम जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है तो हम खुद ही अगर अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो गोविंद आपका साथ ज़रूर देंगे, और आप एक ना एक दिन उस मुश्किल से निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ, इसीलिए जब भी कोई मुश्किल की घड़ी होती है या मैं बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ, अरे भाई कौन नहीं होता, हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम हंस रहे हैं या सब कुछ बाहर से नॉर्मल दिख रहा है, तो क्या हमारी लाइफ में कभी कोई मुश्किल नहीं आती? भाई सबकी लाइफ में आती है, यही तो लाइफ है। अगर हम इंसान के रूप में यहाँ जन्मे हैं तो सुख और दुख दोनों का सामना हमें करना पड़ता है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, और समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और एक छोटे से नोट के संग इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो दुनिया में बहुत बहुत बड़े बड़े दुख हैं, लोग झेलते हैं, पार निकलते हैं, और हम छोटी छोटी परेशानियों से जब जूझ रहे होते हैं, हम सोचते हैं वाई मी, सो कि आप उस मुश्किल घड़ी में गोविंद ने इसलिए डाला है ताकि आप औरों के लिए एक मिसाल बन सकें। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और
चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, तो अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।